हाँ वही धीरे लगना लगना धरिए। उसको घुमा लो सब करके, उसको घुमाओ, तो घूमे है ना सब चार तरफ घूमे, उसको घुमा दो चार तरफ, उसको चार तरफ में घुमा दो उसको, सब सब पहुंचे। आज गर्मी लग रहा है ना? ना अभी नहीं लग रहा है, ठंड हो गई, कोई खुल गया ना। आप सब जा दिखा जा दो चार बूंद पड़ी बस। जय राधा माधव जय अष्टोदश दशमी
श्री श्री मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करना। तत्पश्चात शिक्षा विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना। उपस्थित प्रभु अन्य वैष्णव वैष्णव सभी को मिलकर कार्यों के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, यह है हमारे संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम था? लोकनाथ दास गोस्वामी प्रभु। आज उनकी तिरोभाव है। बोले तिरोभाव का मतलब क्या होता है? मतलब आज एक होता है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब होता है जिस दिन वो जन्म लेते हैं। बोले तिरोभाव का मतलब जिस दिन वो शरीर को छोड़ते हैं, इसलिए उसको तिरोभाव कहते हैं। और तिरोभाव जैसे साधारण लोग कोई बन जाए ना, हम कहते बड़ा दूर हुआ, लेकिन इसमें कहते तिरोभाव महोत्सव। क्या कहते हैं? मतलब बहुत बड़ा उत्सव है। मतलब भैया इस जगत में कोई शरीर छोड़े तो लोग तो दुखी होते हैं, रोते हैं, आप इसको पहले उत्सव क्यों बताते हैं? ध्यान देते सबके तो इसको पहले आप उत्सव क्यों बताते हैं? बोले यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है जैसे वो संत शरीर को छोड़ दिए, ये जगत छोड़ करके चले गए। बोले गए तो कहाँ पर गए? वो कहीं नहीं गए, क्योंकि जब इसी जगत में भगवान जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, अपना धाम और अपना परिकरों को लेकर के आते हैं। जैसे कृष्ण आए अकेले के आए थे? नहीं, उनको साथ उनको पिताजी, पिताजी का नाम क्या? नंद बाबा। भैया का नाम? यशोदा। भैया का नाम? राव भैया है। और उनकी शक्ति राधा रानी ललिता विशाखा सबको लेकर के आए हैं। भगवान राम आए अकेले क्या आए? नहीं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दशरथ महाराज हैं, हनुमत लाल या फिर भी हनुमत को हनुमान जी की सबको लेकर के आए। फिर उसी तरह इसी जगत में जब बोलो तो वृंदावन से कोई आते नहीं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए वो अकेले नहीं आए, पूरा के पूरा अपना धाम और अपना परिकर मतलब भक्तों को दे करके आए। लेकिन जब जाते ही इसी जगत से हमको तो दिखाई पड़ता है जैसे चले गए, भूल गए हम, बोले कहीं नहीं गए। जब इसी जगत में संत आते हैं, ठाकुर जी उनको इस जगत पर भेजते हैं, जाओ जीवों को उधार करके आओ। लेकिन जब गए फिर जब उन्होंने जीवों को भक्ति दे करके जो कृष्ण भक्ति से विमुख थे उनको भगवत उन्मुख करके भक्ति दे करके सबको भगवान की प्रेम को दे करके जब इसी जगत से जाते हैं ना, उनको गोलोक वृंदावन में बड़ी स्वागत होता है। राधा कृष्ण बड़े स्वागत करते हैं। क्यों? तो जितने सारे जीवों को भगवान की भक्ति दे करके प्रभु का नाम दे करके कितने जीवों को कल्याण कर दिया है, इसलिए वहां पर क्या करते हैं गोलोक वृंदावन में उनको स्वागत करते हैं। कौन? ठाकुर जी उनको स्वागत करते। वहां पर बड़ा उत्सव होता है, वहां पर बड़े जैसे आप बचका बर्थ डे मनाते हैं ना, ऐसे वहां पर बड़े बड़े उत्सव। इसलिए क्या कहते हैं इनकी विरह महोत्सव है, इसलिए वहां पर उत्सव होता है। लेकिन वहां पर तो उत्सव, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बड़ा दुख है, हमारे लिए बड़ा दुख है। क्यों? जब इस जगत से कोई संत चले जाते हैं, देखो आप लोग कितने लोग कैसे जुड़े हैं, आप गले में कटकी तिलक लगाए हरिनाम करते हैं, किसकी कृपा से? बोले संतों की कृपा से, संतों की कृपा से, तभी हम भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब संत नहीं आए हमें नहीं समझाए तो क्या होगा? हमारी भक्ति धीरे 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 नीचे उतरती रहेगी, हमें कोई उत्साह देने वाले नहीं रहेंगे, समझाने वाले कोई नहीं रहेंगे, हमको आगे कोई बढ़ाने वाले नहीं रहेंगे हैं। इसलिए जब इसी दुनिया से कोई संत चले जाते हैं, लेकिन ये हम लोग के लिए बड़े दुखदायक, हम लोग के लिए बड़े दुखदायक।
इसलिए महाप्रभु प्रश्न करते हैं श्री राय रामन तो बोले बताओ तो जगत में तो बड़े बड़े दुख है लेकिन जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है हम दुख किसको मानते हैं जानते हो बताओ अगर बेटा चला गया पत्नी मर गई बिजनेस फेल हो गया है नहीं तो हमारा डाइवोर्स हो गया हम ये सब चीज को दुख मानते हैं कहते हाँ ये तो दुख है लेकिन थोड़ी सी दुख ज्यादा दुख नहीं लेकिन कहते सबसे बड़ा जीवन में क्या दुख है तो राय रामानंद कहते बोले प्रभु कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर जगत में सबसे बड़ा दुख है जब किसी जगत से संत लोग संसार छोड़ करके चले जाते ये पृथ्वी के लिए बड़े हानिकारक है एक प्रभुपाद जगत में आए एक प्रभुपाद आए सारा दुनिया में ऐसे टहलता मचा दिया केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी में ऐसे कोई राष्ट्र नहीं अमेरिका जर्मनी यूरोप रशिया फ्रांस सारा दुनिया में उन्होंने भक्ति प्रचार किया हम लोग कैसे आते होता हम भी उनकी प्रचार से हम आए वो ऐसे एक संत आए ऐसे उन्होंने हरि भक्ति को प्रचार किया सारा दुनिया के लोगों को उन्होंने एकत्रित कर दिया नवदीप परिक्रमा कौन बन गए टिकट बुक हो गया आपके भी अब से हो गया हाँ कर दिया जो व्यक्ति नवदीप परिक्रमा में आप गए हो वहाँ पर देखना कितने लोग परिक्रमा करते हैं कौन कौन गए थे कौन सा गए थे गए और कौन गए नवदीप नाथ बहुत से लोग गए देखा है कितने लोग परिक्रमा करते हैं हजार हजार विदेशी देशी तिलक कंठी माला धारण करके बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय गौर प्रभात हरि हरि बोल हजार लोगों को आप देखते ना देखते रह जाओगे जैसे समझता जैसे लगता है जैसे लोगों का पार आ गया वहां जो लोग नहीं गए ना अभी से टिकट बना दो बहुत कम पैसा में टिकट हो जाएगी और 2000 रुपया ना प्लेन में टिकट हो जाएगा अगर अभी अगर टिकट बना 2000 रुपया में प्लेन का टिकट मिल जाए बस दो घंटा मारो पहुंचे बस वहां से और गाड़ी में जाओगे तो एक डेढ़ घंटा पहुंच जाओ सुबह हम 7-8 बजे के लिए आ जाए आओगे अभी से टिकट बुक करा दो और नवदीप धाम में ये शंकर की पार्वती को कहते बोले पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है पार्वती अगर कोई लाभ करोड़ बार अगर कोई परिक्रमा कर ले दर्शन कर ले बोले पार्वती उसको जो पुण्य की फल मिलेगी एक बार अगर श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं उससे करोड़ गुण ज्यादा उसको पुण्य मिलेगा ये शंकर की पार्वती को कह रहे हैं शंकर की कह रहे तेरे तेरे व्यक्ति नहीं कह रहे इसलिए शंकर भी लाख में वही नवदीप में जाकर गाड़ी अर्घ्य पास ले लिया माँ पार्वती भी वहीं पर जो माया प्रौढ़ माया उसने को भी आश्रय किया जितनी सी करोड़ों देवता सारी तरफ में वहां पर बैठ गए महाप्रभु कृपा पाने के ठीक है ना जो नहीं थे अगली बार चल ठीक है इसलिए अभी से क्योंकि जब सारे पृथ्वी में सारे तीर्थ भ्रमण करने से जो तुमको पुण्य मिलेगी अगर एक बार वहां जाने पर अगर करोड़ों करोड़ों से ज्यादा पुण्य मिलता है तो एक जगह क्यों नहीं है सारा दुनिया क्यों घूमते है इसलिए चल जाना ठीक है इसलिए महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में आए इसलिए आज वो संत का तिरुभाव है जब ये कृष्ण लीला में ये कौन थे बोले ये कृष्ण लीला में ये राधा रानी की एक सहचरी इनका नाम था मंजूलाली सखी क्या नाम था मंजूलाली सखी सखी राधा जी की एक सहचरी थी इन्होंने वृंदावन में जो 6 गोस्वामी आप जानते हो जय रूप सनातन रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ 6 गोस्वामी लेकिन इन लोगों ने वृंदावन से उद्धार किया लेकिन इनसे पहले अगर कोई आए वृंदावन इन्होंने आया ये श्रीमद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की ये मामा करके ये मामा लगते थे सबसे पहले ये संत श्री कहाँ पर आए श्री वृंदावन धाम में अलग अलग वृंदावन जाकर रह करके उन्होंने भजन किया है अलग अलग स्थान पर रह करके भजन किया अभी एक दिन वो रहते थे एक गांव में
वो गांव में रहते थे, उसका नाम खैरा। क्या नाम है? खैरा। खैरा ने आपको नाम पढ़ा, अरे खैर जानते हो उसको, पान में खाते हैं ना जो मुंह को लाल करते थे, वहां पर वो कत्था हुआ करता था। खैरा मतलब खजूर हुआ करता था, और खैरा मतलब होता है खदड़ना। कृष्ण जब वहीं पर गैया चला रहे थे, वहीं पर श्री बत्सासुर वहीं पर आए बछड़े को रूप धारण करते हुए, और कृष्ण उसको खदड़ते खदड़ते वहीं पर उसने मार दिया था, इसलिए उसका नाम खैरा है। इसी कारण से उसका नाम खैरा नाम पड़ा है। वो संत तो वहीं पर भजन करते थे, वहां पर एक कुंड, उसका नाम संगम कुंड है, संगम कुंड, वहीं पर बाबा बैठ करके भजन करते थे। एक दिन उन्होंने कुंड में स्नान किया, स्नान किया तो बड़ा सुंदर एक ठाकुर, इतने बड़े सुंदर काले रंग के बड़े सुंदर ठाकुर जी, अपने आप को ठाकुर है, जब उन्हें गोता लगाए ना अपने आप वो ठाकुर जी उनके साथ में उठ करके आए। जब उठ करके आए ठाकुर जी उनसे बात करते थे, हैं बोले देखो लघुनाथ, हम बड़ी उदर से ये कुंड में पड़ा हुआ था, इसलिए बड़ी भूख लग रहा है, थोड़ा खाना बना दो। तो उन्होंने सत्ता है पहले घर चुन चुन जाते हो आटा मांग कर लाते थे, उन्होंने रोटी बनाया और जंगल से है जो इधर उधर जो पेड़ पौधा होता ना साग होता है, ला कर उन्होंने साग बनाया, कोई सब्जी बनाया। जब ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे थे, ठाकुर जी कहते हैं लोकनाथ बगत थोड़ी सी चटपटी चीज होनी चाहिए ना, नहीं तो खाना कैसे खाए, इनका चाशनी तो बनाओ। बोले संत लोग कहाँ से लाए कमर पर चाशनी बनाए, तो उन्हें इमली पेड़ जानते हो, इमली पेड़, इमली पेड़ का जो कोमल कोमल जो पत्ते को उन्होंने अच्छे तरह से रगड़ कर उनको उसमें नमक दे कर उन्होंने चाशनी बनाया, और ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर सब कुछ खा लिया है, रोटी खाए सब्जी खाए सब कुछ ठाकुर जी खाए। ठाकुर जी खा करके बोले देखो बड़े दिन से ये कुंड में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे ना बड़े दिन से मैंने सोया नहीं, थोड़ा सोने का तो व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने पेड़ से फूल उन्होंने तोड़ कर खिलाए, ला करके बड़ी सुंदर सज्जा बनवाया और ठाकुर जी को उसने सुलाया। जब सुलाए बोले गर्मी लग रहा है कैसे सोएंगे, थोड़ा हवा तो कर लो। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर कोमल कोमल पत्ते लाए है, पत्ते ला करके फिर ठाकुर जी को बड़ी सुंदर हवा करवाए। बोले थोड़ा प्यार तो दबा दो, ठीक नहीं आ रही है, उनसे बात करते थे, बोले थोड़ा प्यार दबा दो। फिर उन्होंने ठाकुर जी को प्यार दबाया और ठाकुर जी चैन से सो गए। इसलिए इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो जचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहते भगवान सोते नहीं, बोले भैया यशोदा जैसे सुलाते नहीं। ठाकुर सब कुछ करते हैं। अगर आप देखना किसी ठाकुर जी का आप लगन लगा कर सेवा कर, ऐसे नहीं जैसे तैसे स्नान करा के कपड़ा पहना कर बैठ जाते, नहीं, आप किसी ठाकुर को लगन से प्रेम से रोज उनको स्नान कराओ, ठाकुर जी को रोज वस्त्र पहनाओ, उनका चरणामृत कर लो है, आप स्वयं देखोगे ऐसे लगते हैं ठाकुर जी बात करते हैं, ठाकुर जी का मान करके बैठ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी आज कपड़ा पहनना नहीं चाहते, कपड़ा अपना फिसल जाएगा। हमारे मंदिर में तथा एक माता जी दिल्ली से आती है, दिल्ली से वो माता जी आती थी, उसका बच्चे एक दो बच्चे कोई विदेश कोई दिल्ली में रहते थे, उसको बच्चे जो हाथ कच्चा दिया करते थी वो कभी भी अच्छी कपड़ा नहीं, वो सारे पैसा जो बच्चे का हाथ कच्चा जो देते थे उसको वो जमा करते करते रखती थी, और महीना में एक बार वो वृंदावन में आती थी। हमारे मंदिर में उन्होंने के रूम बनाया था, उसमें रहती थी, पति पत्नी रहते थे, और वो पैसा ला करके वृंदावन में जितने हमारे गौड़ीय मठ में वैष्णव को बुलाए और बढ़िया खाना बनवाएंगे, और खूब वृंद में मैं एक चीज बनाऊ कहीं बनाऊ, और सतगुरु से बहुत बढ़िया कहीं बनाए, कहीं पता दे करके उसमें है उसमें मेथी डाल करके और लाल मिर्च दे करके बढ़िया छोंक देती थी वो,
और हींग हींग देती बड़ी अच्छी शौक देती थी। बोले मैं केवल एक पैकिंग करने वाला हूँ संतों के लिए, और सभी को सारे संतों को बैठा करती, सब संतों को खिलाओ, सारे संतों को खाना खिलाती थी। और आ करके वो जो यमुना है ना, यमुना नदी में 30 बार गोता लगाती थी। क्यों? बोले मैं तब रोज नहीं आ पाती हूँ, 30 गोता लगाती थी। और राधा दामोदर मंदिर में जा करके 30 परिक्रमा लगाती थी एक एक दिन का। और क्या करती थी, ठाकुर जी के लिए भले ही जितने कपड़े क्यों नहीं हो, ठाकुर जी को जितने कपड़े क्यों नहीं हो, आगे तो वहां पर नंद किशोर दुकान है लोही बाजार में, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र लेकर के जाए, जितने वस्त्र क्यों नहीं हो। बोले नहीं, हमारी भी तो इच्छा होती है, हमारे अंदर शौक होता है, हम भी कपड़ा पहनने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ठाकुर जी कभी कभी 10 दिन से 5 दिन से एक कपड़ा पहन करके ठाकुर बैठे, और आप 3 में 2 बार साड़ी बदलाएंगे, और ठाकुर जी को एक कपड़ा बदला कर बैठा दिया नहीं। वो माता जी बोलती थी हमारे अंदर में तो शौक होता है, इसलिए ठाकुर जी बोले बढ़िया कपड़ा रोज ठाकुर जी को अपना हाथों से स्नान कराएगी, स्नान करा के वस्त्र पहनाएगी, और हारमोनियम माता जी बजाना जानती थी, ठाकुर को सामने रख लेगी, रख करके हारमोनियम बजा करके बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी भजन बनाएगी है। और जानते हो कितना हरिनाम करती थी, 1 लाख हरिनाम करती, 1 लाख कम थी, 1 लाख हरिनाम माता जी जब करती थी। और देखो उसका फल क्या हुआ, अभी बहुत वृद्ध, उसको पति पहले चले गए और बहुत वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए तो अभी वृंदावन में आना कठिन हो रहा। अभी ठीक शरीर छोड़ने से एक दिन पहले मेरे पास में फोन आया, बोले महाराज जी मेरे तो जाने का मेरे अभी अवस्था नहीं रह गई, इसलिए हमारे बच्चे भी जाने नहीं देते हैं, मैं एक माता जी को हाथ में कुछ पैसा दे रहा हूँ, सारे ब्रज के जितने वृंदावन गौड़ी पढ़ के जितने संत ने उनको बुला करके भंडारा करा देना, और सबको 30-30 रुपया साथ संतों को दे देना, उसके लिए मैं अलग पैसा भेज रहा हूँ, भंडारा के लिए अलग भेज रहा हूँ, सारे संतों को बुला करके आप दे देखो इसका फल संत से। दूसरे दिन की एकादशी, एक दिन पहले मेरे को फोन की, दूसरे दिन की एकादशी, बस एकादशी दिन बात करते 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 शरीर छोड़ी, इसको सेवा उसको लेना नहीं पड़ा, बात एक दिन पहले अच्छी आवाज अच्छी थी, लेकिन दूसरे दिन उसने बात करते करते अपना शरीर को छोड़ दिया, और बच्चों को बोल कर कहीं मेरे शरीर को वृंदावन में लेकर के अंतिम संस्कार, वृंदावन में अंतिम संस्कार। बहुत कौन है अरे किधर देखो, इसको ऊपर में छिपकली पड़ती है ना, और रानी पड़ती है, बताया हमने क्या बात है, रानी की जय, सही बात है, तो गुरुदेव का आदेश होगा तो होगा ना, ऊपर में छिपकली मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। अच्छा जी, आज ये तो इनके ऊपर आने के लिए अगर हमारे ऊपर गिरती तो सुनो इधर कथा ही बहुत सारे, इसलिए अभी वो माता जी हैं, वो एक टेको के से सही नहीं छोड़ा, इसलिए ठाकुर जी की वो बोलती थी, बट ठाकुर मेरे से बात स्वप्न देखते बात करते थे, कभी मैं कपड़ा पहना हूँ ना, ठाकुर बोले कि ये कपड़ा नहीं पहनता हूँ, किसे भी जाएगा किसी से भी कपड़ा लगेगा नहीं, फिर दूसरे कपड़ा ला कर पहना, बोले ये कपड़ा मेरे पसंद नहीं, फिर मैं तीसरा कपड़ा तब पहना होगा, फिर ठाकुर जी उसको पहन लेंगे अच्छे तरह से पहन लेंगे। और वो बोलती थी जैसे अनुभूति बोलती थी, हम तो सुन सुन कर ठाकुर को पता नहीं कितने लीला, कहीं जा रहा था कहीं मंदिर में गोपीनाथ जी का मंदिर बड़ा कामयाब है, गाड़ी अपने आप वहां पर कैसे खराब हो गई, तो पास में तो ठाकुर को लेकर चलती थी, जहाँ जाएंगे की टोकर थी, वो टोकरी में ठाकुर को ले साथ में लेकर चलती थी, किसी को उसको नहीं सेवा करने के लिए, जितने दूर जाएगी ठाकुर को लेकर के जाएगी, अपना हाथों से श्रृंगार हाथों से खाना खिलाएगी ठाकुर जी को, तभी उसको चैन आती थी, बोले अपनी आप गाड़ी खराब हो गया, सामने गोपीनाथ जी का मंदिर था, मैं ठाकुर जी को लेकर गया और आते ही अपने आप गाड़ी सही होते, लेकिन ठाकुर को जो लीला समझना बड़ा कठिन, जहाँ रुकने का जहाँ जाने का ना वो अपने आप काम करा देते थे, वो बोलते थे बोले मेरे को इतनी अनुभूति है ठाकुर जी, आज ये खाना नहीं, हमें आज ये खाना खाएंगे, आज ये चीज खिलाओ मेरे को, जैसे साक्षात रूप में बोलते थे ठाकुर, इसलिए आप देखना
ठाकुर जी को अगर तीन से आप सेवा करोगे ना, ठाकुर जी आपको बांध करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं और सबरी के जैसे तो नहीं। अगर सही सही सेवा करके ठाकुर सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी अंदर में कैसी भावना आनी चाहिए। ठाकुर सब कुछ करते हैं, इसलिए ठाकुर जी से साक्षात रूप में ठाकुर जी ये संत से बोलते थे, ये संत से। और एक संत थे जो उनके चेले में, उनका नाम था श्री नरोत्तम दास का। ये पूर्व बंगाल में राजा का बेटे रूप में उन्होंने जन्म लिया, राजा की बेटे रूप में उन्होंने जन्म लिया। वो साधारण नहीं, वो भी राधा रानी के एक सहज है, एक सहज है। इसलिए उनको कहा जाता है महाप्रभु का प्रेमावतार, महाप्रभु का प्रेमावतार। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस संसार से गए, जाने से पहले एक नदी, बहुत बड़ी नदी, उसका कहते पद्मा, विशाल नदी है। महाप्रभु नदी को बोल कर बोले, पद्मा मैं अपना प्रेम तेरे पास में रख करके जा रही हूँ, जा रहा हूँ। बाद में एक बहुत बड़े संत आएंगे, मैं जो प्रेम तुमको पास में रख कर गया, ये प्रेम को देखना। वो नदी कहती है, बोले मेरे को कैसे पता चलेगा ये वही महापुरुष। बोले वो इतने बड़े संत हैं, जब उनकी चरण केवल तुम्हारे पानी पे स्पर्श होगी, तुम्हारी अपनी आप तुम्हारी पानी को उभरने लग जाएगी। बोले प्रेम से तुम्हारी हृदय प्रेम में उभरने लग जाएगी, फिर तुम समझ लेना वो वही संत है। जब वो संत सचमुच से आए, वो पानी में इनका चरण स्पर्श होते ही पानी अपने आप उफनने लगे, अपने आप उफनने लगे, हृदय आनंद में प्रेम में भर गया। फिर तो समझ गए वही संत है महाप्रभु, जिसको बोल करके प्रेम देने के लिए बोल कर गए थे, तो उन्होंने वो प्रेम उन्होंने उनको दिया। लेकिन जब वो पानी उफना, जब पानी उफन लग गया, तो स्वर्ग हवा आई, हवा आई तो वो हवा को जो पानी उफन रहा था उसको टच करते हुए जिस देश में चली गई, आप सोच नहीं, जैसे वो देश पूरा फलियार हो गया। जितने जैसे गले गुरुदेव है, हर्षदत्त बाबा गोसाई महाराज हैं, जो उनकी जो गुरुदेव हैं, भक्ति प्रज्ञा के केशव गोसाई महाराज, ये जितने हमारे सब गुरुवर्ग हुए ना, सब उस तरह से, सब उसी तरह से, जिधर से ये हवा चली गई थी, अभी भी उधर से बड़े बड़े संत लोग जन्म ग्रहण करते हैं। क्यों? बल उस तरह के वाला महाप्रभु का प्रेम रूपी हवा चला गया। बस आप लोग बताओ कि बड़ों तक इतने भक्त कैसे हो गए? पास में गंगा है, पास में जमुना बह रही है, ये गंगा जमुना पास में बह रही है, उसका हवा है ना तुम्हारे शरीर में, अपने आप लगती है वो हवा, तभी तो आप लोग इतने बड़े भक्त हैं। तिलक कंठी माला और इतने भक्त कैसे हुए हैं? कृष्ण खुद कहते हैं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सो विभाग है, हे अर्जुन करोड़ों करोड़ों जीव में कोई एक विरल जीव होता है जो मेरी भक्ति में दिल की रुचि होता है। अब बड़ो तक इतने भक्ति कैसे बने? यहाँ पर गंगा जमुना की कृपा उसकी हवा लगती रहती है, इसके हवा से किसका कल्याण हो जाती। पास में गंगा बह रही है, नहर में गंगा ही बह रही है, गंगा इसका हवा लगे ना, इससे ही जीव की कल्याण हो जाती है। बड़ो तक भक्त वृंद की जय, श्री गुरुदेव जी की जय। इसलिए कहते ये संत कैसे संत थे, अभी वो संत को जो महाप्रभु का प्रतिनिधि की प्रेम हुई, महाप्रभु का चरण में जो भावना हुई, तो उन्होंने ये संसार को त्याग दे। बोले भगवान की जीवन में 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जी कृपा करके मानव शरीर हमें प्रदान करते हैं। खाना पीना सोना विषय भोग करना, ये तो जीव हर जीवन में खाता पीता बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति है केवल ये मानव शरीर से ही हो सकती है। इसलिए ये जीवन को बताए साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान राम समझा रहे हैं, बोले अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति का दरवाजा है। 84 लाख जन्म के बाद में एक बार तुम्हें ये मानव शरीर मिला, जिस जीवन में तुम भक्ति करके संसार से प्रभु के पास में जा सकते हो। जब उनको ये पता चला, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहां पर श्री वृंदावन में आए। बोले कहते
इतना भिन्न गुरु भवनिधि तरह न कोई जो ब्रीच शंकर समो मतलब ब्रह्मा शंकर जैसे बच्चा हो जब तो कोई गुरु नहीं करते उनका जीवन कभी कल्याण नहीं हो सकता है प्रभु को पा ही नहीं सकते हैं लेकिन करना गुरु पर जान के और पाने की और जान के इसलिए जान कर करनी चाहिए अब उन्होंने ब्रज मंडल में घूमने लगे कहाँ पर बड़े बड़े संत लोग रहते हैं कहाँ पर रहते हैं उन्होंने पता लगाया उनको पता चला किसी ने कहा कि बहुत बड़े संत हैं कहाँ रहते हैं बड़े भैरा के गाँव में वहीं पर रहते हैं और उन्होंने रह करके रोज एक एक लाख हरिना सारे संतों को उद्देश्य में प्रणाम 26 घंटा प्रभु की भजन करते हैं 26 घंटा त्याग लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये 26 घंटा में 26 घंटा भजन करते हैं अब उनको पता चला ओ घूमते घूमते आए ढूंढते ढूंढते सचमुच से देखा बैठ करके माला लेकर नाम कर रहे हैं आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी और प्रेम में ना उनका शरीर का जो रोकेट खड़े हो रहे थे हृदय हो रहा था कभी कृष्ण प्रेम में नाचते हैं कभी गाते हैं कभी रोते थे लेकिन समझ गए कि बहुत बड़े संत हैं तब उनके चरण में उन्होंने कीर्तन के बोले आप मेरे गुरुदेव हैं आप मेरे को दीक्षा मंत्र दो लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया था जीवन में कभी चेला नहीं बनाऊंगा जीवन में शिष्य नहीं बनाऊंगा उन्होंने ये बात को प्रतिज्ञा की थी है क्योंकि संतों का हृदय में रोहरा रहता है हम तो सबसे छोटे हैं जगत में हम सबसे छोटे हैं इसलिए हम ही शिष्य नहीं बन पाए किसको शिष्य बनाएंगे अभी लेकिन जब प्रतिज्ञा के आप शिष्य बनाएंगे नहीं लेकिन इन्हें तो इनको ही अपना गुरु रूप में सोच ले ये मेरे गुरुदेव है जब इसको एक बार गुरु रूप में आप सोच लेते हैं ना तब तो गुरु बन गए अगर गुरु बन गए अभी उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा अभी सोच रहे हैं ये तो कह रहे हैं शिष्य बनाएंगे नहीं लेकिन अभी उनको हम संतुष्ट कैसे करें इनके संतुष्ट कैसे करें तभी इनसे दिशा मिलेगा अगर किसको संतुष्ट करना चाहते हो कैसे संतुष्ट करोगे जब उनकी सेवा करो उनको सेवा ऐसे ही ठीक है ना किसी कुत्ते को कुछ खाना खिलाता ना जिना तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे डर जाकर खाना खिला दो आते ही पूछना नीचे करके तुम्हारे पैर में बैठ जाएगा है पूछ हिलाने लग जाएगा पैर में प्रणाम करने लग जाएगा ये ऐसे ही खाना की सेवा ऐसे की चीज है कि जगत में देखना भगवान खुद कहते हैं बस चक्रवर्ती माँ भत्या सत पत्नी सत पति जैसे एक पति व्रता नारी पति की सेवा करते करते जितने वशभूत कर देती है पति को तीन बार पति काम करता है पैसा कमाता है किसको देता है सेठानी सारा पैसा किसको देता है सेठानी को देता है अगर सेठानी से पैसा मांगे ना 1000 कई बार देना पड़ेगा इतना पैसा क्या यहाँ का इतना पैसा क्यों इतना पैसा कहाँ करते हो नहीं इतना पैसा नहीं इतना पैसा हो जाएगा देखना 1000 कई बार देना पड़ता है क्यों कारण क्या क्योंकि वो सेवा करती है पति की पति को पता है ये कभी पैसा को बर्बाद नहीं करेगी ये सही काम पर लगाए तभी तो उसकी बात मान लेता है ना इसलिए सेवा ऐसे चीज है बल्कि किस सेवा करनी चाहिए बोले भैया एक साधु है तो कुछ भी सेवा ले नहीं है क्योंकि माधु को करके ले जा लाते हैं दो रोटी खाते हैं और तीन बार माला लेकर भजन करते हैं बल्कि इनकी सेवा आप कैसे सेवा करें क्या सेवा करें उन्होंने ढूंढ ढूंढ लिया सेवा बोले क्या करेंगे बोले जहाँ पर ये पायखाना करते हैं ना जहाँ पर पहले पायखाना करते हैं वो ज्यादा को मैं साफ कर देता है यही सेवा उन्होंने ढूंढा अगर वो जहाँ पर पायखाना करके चले जाते हैं कोई घृणा नहीं वो जाकर के अपना हाथों से उनको विश्राम उठा करके दूसरे जगह फेंक देते हैं और झाड़ू लगा करके लिपा पोता उसको कट लगा देते हैं उन्होंने एक दिन गया दो दिन गया तीन दिन गया उन्होंने देखा भैया जहाँ पायखाना करके जाता हूँ दूसरे दिन ही आए पायखाना है अरे ये ज्यादा तो साफ सुथरा पैर मिलता है साफ सुथरा मिलता है भैया मैं तो किसकी चरण में अपराध से नहीं बनता हूँ क्योंकि जब आप किसकी सेवा करोगे उसको कुछ देना पड़ता है आप जब सेवा करोगे ना वो कुछ ना कुछ आपसे लेगा है
मैं भैया मैं तो अपराधी बन रहा हूँ क्योंकि कोई मेरा सेवा करना है तो सेवा थोड़ी कैसे करेगा, मेरा तो जो भजन कर रहा है भजन चली जाएगी, इसलिए सेवा से कहना सेवा के बदल सेवा नहीं, सेवा करोगे तो सेवा मिलेगा नहीं तो सेवा कहाँ से मिले, इसलिए किसी चेहरे में अपराधी बन रहा हूँ। एक दिन उन्हें छुप करके देखा, वो जो राजा का बेटा नरोत्तम दास ठाकुर कोई घृणा नहीं, अपना हाथों से वो विष्ठा को दूर में फेंक करके साफ कर रहा, इतने में उन्होंने आकर हाथ पकड़ लिए, बोले मेरे को क्यों तुम अपराधी बना रहे हो, हाँ मेरे को क्यों अपराधी क्यों बना रहे हो, मेरी सेवा करते हुए, बोले गुरुदेव हाँ मेरे गुरुदेव हो, इसलिए मैं आप मेरे गुरुदेव हो, इसलिए आप कह रहे हो मैं दीक्षा मंत्र नहीं दूंगा, इसलिए मैंने सोचा गुरुदेव को कैसे पूछ कर सकता हूँ, मैंने कहा एक उपाय है इनकी अगर ये सेवा कर ले हो सकता है गुरुदेव खुश हो जाए, सच मुझसे गुरुदेव खुश हो, ये सेवा देखे केवल सेवा से गुरुदेव खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उनको मंत्र प्रदान किया, उनको मंत्र प्रदान किया। अभी गुरु जी की सेवा करते हुए गुरु जी के पास में रहते हैं, हाँ देखो एक दिन जैसे माला है ना, एक दिन वो बैठ करके माला जप कर रहे थे, क्या जप कर रहे थे, हरे कृष्ण वो माला जप कर रहे थे। इतने में एक किसान खेती करते हुए जा रहा था, उसने बोले बाबा बड़े जोर से प्यास लग रहा है, क्या पानी पिलाओगे, तो वो तो माला जप कर रहे थे, इतने में उन्होंने क्या किया, वो माला को रख लिया, जाकर के वो जो किसान था ना उनको उन्होंने पानी पिला दिया, और गुरुदेव वहीं पर बैठे कर भजन कर रहे थे। जब उन्होंने देखा ये हरिनाम को छोड़कर किसान को पानी दिया ना, ये तो उसको फिर बिगड़ गए, बोले क्या, हाँ देखो उसमें दो चीजें, अच्छे तरह से इस चीज को समझो, जब अच्छे तरह से दिमाग से समझो, जब हम हरिनाम करते हैं कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, जब हम नाम जब करते हैं नाम नहीं जब ठाकुर जी का हम सेवा करते ठाकुर जी को माला जब निचले कोई कोई व्यक्ति को मेरी तरफ देखो कोई कोई व्यक्ति माला जब करते कैसे है, तो ऐसे ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण, ऐसे बोले क्यों, बोले ये हरिनाम नहीं, ये हरिनाम रूप में साक्षात ठाकुर जी, हम नाम नहीं कर रहे उनकी चरण की सेवा कर रहे हैं, कलयुग में भगवान नाम रूप में ठाकुर जी आए, हरिनाम करना और उनसे सेवा करना एक ही बात है, हरिनाम कर रहे हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, और एक किसान आया पानी पीने के लिए, हमने क्या किया ठाकुर को सेवा तो रख लिया और ये किसान को हमने बड़ा मान दिया, इसको पानी पिलाना और वो गए पानी पिला दिए, गुरुदेव तो नाराज हो गए, तो तुम साक्षात भगवान की माला कर रहा था सेवा कर रहा था, क्या ये ठाकुर जी की सेवा से ये किसान का सेवा तो नहीं बड़ी होगी, और ठाकुर को यहीं पर रख दिया तुमने ठाकुर को, बोले जाओ अब तो भजन करने का अधिकार नहीं, लगता नहीं तेरे को जीव को पानी पिलाने का आदत है, जाओ सबको जाकर दुनिया में पानी पिला, इसमें दो चीज सीखा देते अच्छे तरह से उसको समझो, जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं हम हरिनाम कर रहे हैं, अगर हरिनाम करते करते अगर बीच में कोई काम आ गई, कोशिश करना जब तक एक माला पूरी नहीं हो जाए, मन एक माला तुम्हारी पूरी हो जाए, पूरी कहाँ होती है, यहाँ पर जाकर के पूरी होती है, यहीं से जाकर के पूरी होती है, जैसे उधर तक यहाँ पूरी हो गया, फिर इधर तक छोटे तक पूरी हो गया, जब तक वो पूरी नहीं हो जाता है बीच में माला नहीं रखनी चाहिए, माला चीज को समझ कर ये माला को नहीं रखनी चाहिए, क्यों ठाकुर की तो सेवा कर रहे हो, है लेकिन कोई अगर अर्जेंट ठाकुर जी को कोई विशेष सेवा नहीं तो कोई गुरुदेव कोई संत आ गए अर्थात कोई ठाकुर जी की कोई विशेष सेवा अभी अभी जरूरत है फिर उसी समय रख सकते हो, उसी समय माला को तुम रख सकते हो,
लेकिन मेरी तरफ से देखो कैसे माला रख सकते हो, जैसे तुमको माला जब करते करते माना यहाँ तक तुम माला कर रहे हो। अच्छा दृश्य समझो, जैसे यहाँ तक तुमने माला यहाँ तक ली, फिर क्या करना, उसको प्रणाम करते हुए ठाकुर जी तुम्हारी कोई सेवा यानी तो संत गुरु जी आगे तुम्हारी बच्चे जैसे दूध बन रहा है, नहीं तो ठाकुर के लिए कोई चीज सब्जी बनाए बैठे ठाकुर के लिए बन रहा है, अगर चल जाएगी है, नहीं तो कोई ठाकुर का विशेष कोई सेवा आ गया, प्रणाम करते हुए माला तरफ देखो, इसको यहाँ तक है ना, इसको ऐसे रख लेना, ऐसे रख लेना, रख करके प्रणाम करते हुए रख लेना। लेकिन जब फिर दोबारा सुर कर के फिर कैसे सुर कर गई, जहां से तुमने खत्म किया था दो एक माला मोती से पहले, दो एक मोती से पहले फिर माला को तुम सुर करते हुए वही से फिर करो, ठीक है ना, फिर प्रणाम करते हुए माला करनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे तैसे कारण से माला जब कर रहा था कोई हटात काम आ गया बस बिना करने पूरा ऐसे रख दिया और भागने लग गए, नहीं, ये ठाकुर जी को स्वयं सेवा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, इसको विशेष कब जरूरत पड़े तो तभी माला को ऐसे करके जाना, ठीक है ना, तब जाकर के ठाकुर को सेवा करते हुए फिर माला करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को सेवा, इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, ले जाओ लगता है तेरे को पानी पिलाने का तभी अभी आदत नहीं छोड़ी, कर भी अभी तुम्हारे कर्म में मान जाओ दुनिया में पानी पिला, देखो अभी प्रश्न आता है, गुरुदेव तो साधारण थे नहीं, वो शिष्य भी साधारण थे नहीं, एक तो मंजुला जी सखी, एक कनक मंजर, ये दोनों ही राधा रानी की सहचरी, राधा रानी ये दोनों ही सहचरी पर सखी आ गई, तब ऐसे भूल तो हमारी होगी, साधारण जीव का भूल होता है अनर्थक, लेकिन वो तो राधा रानी की सहचरी, ये भगवान की परिकर तब उनको कैसे भूलोगे, तब उन्होंने कैसे बीच में रख करके छोड़ छोड़ चले गए, और गुरुदेव भी के क्या बोल बोल जाओ, लगता है तो पानी पिलाने का आदत है, जाओ पानी पिला, मतलब क्या है, गुरुदेव आदेश दिया बोले बेटा जाओ, कहाँ जाओ, ये दुनिया में कृष्ण प्रेम रस की भूखे सबके सब हैं, उनको सारा दुनिया में जा करके कृष्ण प्रेम रूपी रस को सबको पिलाओ, कृष्ण प्रेम रूपी रस को सबको पिलाओ, और पिला करके क्योंकि वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कितना संत हृदय रब नीत समाना, कहा कभी नहीं पर कहीं न जाना, संत का हृदय बड़े कोमल होता है, बेटा जाओ जा करके सारा दुनिया में हरि भक्ति को प्रचार करो और अनंत जीव को पिला करो, बात गुरुदेव आदित्य किया, उन्होंने गए नाट्य काम कर गए एक स्थान मणिपुर, मणिपुर में गए जा करके उन्होंने जो राजा था ना बड़े प्रभावित थे, पहले तो उन्होंने राजा को अपना शिष्य बनाया, हरि कथा सुन कर मां का प्रेमावतार ना, राजा को उन्होंने गले में कंठी माला तिलक राजा को पहनाया, देखो साधारण व्यक्ति को तिलक कंठी पहना दो मोदी को पहना दो कंठी तिलक माला हां पहना, इसलिए उन्होंने अब जो राजा अगर गले में कंठी माला तिलक पहन दिया ना, बस प्रजा तो आप ही आप सब कट लगी जाए, इसलिए उन्होंने राजा को बदला दिया, जो राजा को बदला दिया उन्होंने वैष्णव धर्म को समझाया, ये जीवन किया ठाकुर जी क्यों दिए जीवन, गले में ये कंठे किया है, ये तिलक किया है, माला किया है, उन्होंने राजा को परिवर्तन कर दिया ना, संपूर्ण मणिपुर कोई कोई प्रचार जैसे बड़ौदा में हमने प्रचार की कितना थोड़ी बहुत लोग यहाँ परिवर्तन हुए है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण मणिपुर को उन्होंने परिवर्तन कर दिया, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसके लगाव में तिलक नहीं देखोगे, ऐसे कोई नहीं जिसको गले में तुलसी कंठी नहीं देखोगे, ऐसे कोई नहीं जिसको हाथ में माला नहीं देखोगे, ये संत तो इतने प्रभावशाली हुए, हाँ अभी भी मणिपुर में जाओगे ना वहां पर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर 108 वृंदा एक साथ की बजती है, जब महाप्रभु का आरती होगी ना जैसे हम तो दो बजता है इतना बढ़िया लगता है, और ये ड्रम बजा देता है 56 बजा देता है, इसलिए जहाँ पर एक साथ में 108 वृंदा बजेगी अपने आप तैयार नाचने लगे, इसलिए एक साथ में बजती है और महाप्रभु कीर्तन अभी भी वहाँ की माता है, इतने माता है ना साधु ड्रेस पहनती है, ऊपर का जो ऊपर ड्रेस है ना वो ऐसे रखना नीचे सफेद रखना, और ऊपर से जितने माता है ऊपर से कपड़े पहनती है, ये गौर के वस्त्र अभी भी वहाँ पर 5.5 साल पहले वो कभी आए 5 साल अभी भी उन्होंने इतने छाप छोड़ करके, इसलिए आज है
श्री नर श्री कृष्ण श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का आज इनकी तिरुभाव तिथि है। आज इनका तिरुभाव तिथि है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कभी लोकनाथ मरे संगे लगिया दिवे श्रीरू पर पाद पर के बड़े समर्पित। इसका मतलब है कति लोकनाथ कौन है, बोले गुरुदेव अध्यात्म कृष्ण, बोले कब लोकनाथ मरे संग ले जाए, मतलब कब ऐसे दिन आएगा मेरे जो गुरुदेव है हम डायरेक्ट ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सोचा अरे गुरु गुरु का कोई जरूरत नहीं, हम तो भगवान की सेवा अपने आप करते हैं, अपने आप को कहते हैं कब ऐसे दिन होगा मेरे गुरुदेव मेरे हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, बोले कहाँ ले जाएंगे, बोले श्री रूप गोस्वामी श्री रूप भंडे के पास, फिर वो क्या करेगी, फिर वो ललिता को पास में ले जाएगी, फिर ललिता क्या करेगी, फिर वो ले जाएगी श्री राधा जी के चरण तक पहुंचाएगी। कौन हमारे हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, बोले श्री गुरुदेव, हमारे गुरुदेव हमें हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, हम डायरेक्ट हम ठाकुर से बात नहीं कर सकते, करेंगे तो श्री गुरु जी की आनुगत्य में ही हम ठाकुर तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए गुरु जी की आनुगत्य में ही धीरे धीरे हम श्री राधा जी के चरण तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए आज वो संत का तिरुभाव किए शरीर छोड़े हैं, हम सब के सब उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। हे लोकनाथ दास गोस्वामी, जैसे महाप्रभु का भजन किया, जैसे हरिनाम किया, सबको की सेवा की, भजन की, आप हम सबको ऊपर भी कृपा करो, हम सबको ऊपर भी कृपा करो, हम भी सारा जीवन इसी भक्ति पथ पे रहते हुए हम भी गुरु वैष्णव की ठाकुर जी की महाप्रभु की सेवा कर सके, सबके सब आप अपने चरण में प्रार्थना करो। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री नरोत्तम ठाकुर की जय, ताई गौर ब्रह्मा हरे हरे बोल। अब श्री लक्ष्मीवर्धन प्रभु आपको अभी तक लाइट नहीं आई ना, नहीं नहीं अभी नहीं आई। पूज्य बाबा भक्ति राम सिद्धर महाराज की जय। बड़ा हंसाया पढ़ो तो शहर में भी कल गई या दोनों में, अगर बड़े लोग भी अगर जैसा इनको लीडर मानते हैं, ये भी जब चला जाते हैं उनके लिए शोक सभा बनाते हैं ना, लेकिन वो शोक सभा है, लेकिन हमारे जो है ये शोक नहीं है। शोक किसको कहा जाता है, त्रिगुणात्मक जीव का जो चले जाने के बाद शोक होती है। शोक किसको कहते हैं, जो वस्तु था वो चला गया और हमको मिलेगा नहीं, इसके लिए शोक होता है। जैसा पैसा हमारे 1,00,000 रुपया चोरी हो गया, हमारे शोक होगा, क्यों शोक होगा, कि वो पैसा के द्वारा हम कुछ करते खर्च करते, स्वार्थ पूर्ति में हानि होने से शोक, ये सही है, या ऐसा ठीक है ना, स्वार्थ पूर्ति मानी होने से। हाँ, तो जो व्यक्ति चला गया बीबी रो रहा है इसलिए कि हे भगवान काल से मुझे कौन खाना खिलाएंगे, पैसा कौन ला के देंगे, इसलिए रो रहा है। बेटा इसलिए रो रहा है कि पिताजी चले गए, मेरा मैं तो अनाथ बन गया, आज मेरा ऊपर सब कुछ भार आ गया, इसलिए रो रहा है। पूरा सारी लोग दुनिया में स्वार्थ में पड़ता है, स्वार्थ के कारण शोक करेंगे, लेकिन वैष्णव अगर चले गए अप्रकट तिथि को ये शोक नहीं है, वो विरह विरह महोत्सव। तो बात तो महाराज शंकर को सुने, लेकिन एक वस्तु सचमुच महाराज जैसा बता रहे थे ना, विग्रह की सेवा। जयपुर के एक भक्त थे, उनका ठाकुर जी का नाम था, तो क्या हुआ, तो गुरुदेव ने शिष्य को समर्पण कर दिया तो मैं ठाकुर जी को सेवा करना, तो ठाकुर जी को सेवा करते, लेकिन सेवा करते करते क्या हुआ, ठाकुर जी के साथ प्रीति हो गया। महाराज जी बता रहे थे ना, महाराज जी
तो ठाकुर जी के साथ सेवा करने से ना प्रीति संबंध हो जाती है। अब देखते हो संबंध कैसा बनता है, जानते हो, ध्यान लेके सुना। आपने एक बंधु के घर में गया तीन दिन, आज गया उनका घर के सामने कुत्ता सोया, लेकिन उनका पालतू नहीं, हमारे जैसा बोलते फालतू कुत्ता, मतलब मैदान गांव का कुत्ता ऐसा भी सो गया था। आपने उनको देख लिया, दूसरा दिन गया उनको भी देखा, घर में गया बाहर आया, तीसरा दिन गया उनको देखा फिर फ्रेंड्स के घर में चला गया बाहर आ गया अपना घर में आया, चौथा दिन जब गया वही कुत्ता वहां पर सोया था, किसने पत्थर मार दिया। अगर